नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी में ऑलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ने अनेचुरल अप्रोच टू मिटिगेटिंग प्रोटीन प्रॉब्लम यानी प्रोटीन की समस्या को हल करने का प्राकृतिक तरीका विषय पर एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सुप्रिया जाटव और MBBS एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रोहिणी पाटिल द्वारा विशेष सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय परिवार प्रोटीन के स्रोतों और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन के सेवन के बारे में जागरूक नहीं है। बड़ी संख्या में भारतीय लोगों में प्रोटीन की कमी है। उनका रोजमर्रा की आहार शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। भारत में एक व्यक्ति को उसके शरीर के प्रति किलोग्राम वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन के सेवन की सलाह दी जाती है। हालांकि औसतन लोग अपने शरीर के प्रति किलोग्राम वजन पर तकरीबन 0.6 ग्राम प्रोटीन का ही सेवन करते हैं। डॉक्टर रोहिणी पाटिल पोषण विशेषज्ञ ने कहा कि हर व्यक्ति का शरीर और फिटनेस की जरूरतें अलग होती हैं, जो कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म कितना तेज है, हम कितने एक्टिव हैं, हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है। अपने समग्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए संतुलित आहार का सेवन करना बहुत जरूरी है। आहार में प्रोटीन को शामिल करना स्वास्थ्य बने रहने के लिए आवश्यक है। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सुप्रिया जाटव ने कहा कि एक कराटे खिलाड़ी के रूप में मैं इस बात को समझती हूं कि खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उचित पोषण लेना जरूरी है। अच्छा पोषण हमारी मांसपेशियों के विकास और जल्दी रिकवरी के लिए जरूरी होता है। एग्स और मछली की जगह बादाम अगर हम बच्चों को देंगे तो सारे बच्चे खा पाएंगे, अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, उनसे उनको शरीर को कुछ लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, वो नहीं होगा। और जो हम मिड डे मील और ये सब देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अगर हम बजट एडजस्ट करके हमारे बच्चों के लिए अगर ये रेगुलर रखेंगे तो इससे हमारा फ्यूचर स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चों में हेल्दी हैबिट्स हो जाएंगे। और मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ कि कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे अभी हेल्दी है तो उनके बच्चे और उनके बच्चे भी, हम म्यूटेशन बोलते हैं DNA में, जेनेटिक्स में, तो वो भी हमारे आगे की पीढ़ियों को भी उसका मदद रहेगा, उसका हेल्प हो जाएगा। थैंक यू। और इससे कैसे न्यूट्रिशन मिलता है व्यक्ति को, प्रोटीन के बारे में? नमस्ते, मैं डॉक्टर रोहिणी। मैं इंडिया की बहुत कम न्यूट्रिशनिस्ट में से हूँ जो एक डॉक्टर है, जो एक मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो हमेशा मैं बिलीव करती हूँ कि प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो हमारे शरीर के छोटे छोटे चीज़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बादाम एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ एथलीट्स को, ना सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को, या फिर कोई जो जिम कर रहे हैं उनके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी बादाम की बहुत ज़रूरत है। बादाम में प्रोटीन अच्छा रहता है और ऐसे प्रकार का प्रोटीन रहता है जो हमारे शरीर यूज़ कर सके। उसके साथ साथ उसमें फाइबर अच्छा रहता है, उसमें जिंक जैसे मिनरल्स रहते हैं, मल्टीविटामिन रहते हैं और गुड फैट्स रहते हैं, जिन्हें हम गुड ओमेगास बोलते हैं, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज़ से। हमने देखा है आजकल बहुत यंग लोगों को भी हार्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। आपका जो ब्लड शुगर रहता है, हमें लाइफस्टाइल ओरिएंटेड टाइप 2 डायबिटीज़ दिख रहा है, तो वो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमें फिट रखता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा कि एंटी एजिंग, कि वो आपको यंग दिखने में भी हेल्प करता है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके ब्रेन को तेज करने के लिए भी बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ अगर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स 60 साल की उम्र के ऊपर है तो उनके ब्रेन को भी, जैसे कि मेमोरी के इश्यूज हो रहे हैं, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, उसके लिए भी बादाम इज वेरी गुड। सो बादाम जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि सर्वगुण संपन्न है, इजीली अवेलेबल है, सबके लाइफस्टाइल का एक पार्ट रह चुका है जनरेशन टू जनरेशन, तो आई थिंक वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और रोज सुबह आप सिर्फ हैंडफुल बादाम खाइए और 120 डेज में आपको उसका इफेक्ट दिख जाएगा। मतलब बादाम के बारे में क्या जानकारी और बादाम खा के आपने जो मेडल हासिल किया उसके बारे में? हाँ जी, तो हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद। सुप्रिया जाटव, इंडियाज़ फर्स्ट US ओपन गोल्ड मेडलिस्ट एंड 2 times कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। हालांकि बहुत सारे और भी अचीवमेंट्स हैं, बट ये उपलब्धियाँ कुछ ऐसी हैं जो बताने में मुझे मज़ा आता है और आपको सुनने में मज़ा आएगा। सो मैं यहाँ का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसे हम विक्रम अवार्ड बोलते हैं, 2015 में मुझे मिल चुका है।
तो बादाम जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स वेरी इजी टू यू नो लाइक कीप ऑलवेज विद यू, तो मैं हमेशा इसको लेकर चलती हूँ. और हमारे जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारी जो डाइटेटिक वैल्यूज हैं, हमारे जो डाइटिशियन है, वो शी ऑलवेज सजेस्ट अस टू हैव. तो बस यही रहता है कि हम उसे खाएं. और मैं खुद ही नहीं, जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे एथलीट्स हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप खा लो, क्योंकि खाना ज़रूरी है. जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी का खाएं, किस क्वालिटी का खाएं, क्या प्राइस होना चाहिए. मुझे लगता है जैसे मैम ने भी कहा, हम हमेशा कहते हैं बस खाओ, दैट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. थैंक यू. खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट. फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.